आज सावित्री की रसोई में बनेगा ये नया नया नाश्ता। नमस्कार, सावित्री की रसोई में आप सभी का स्वागत है। सावित्री की रसोई में आज कुछ अलग बनेगा। तो मैंने ये आलू लिए हैं, नए आलू हैं, जो इनके छिलका अब एकदम पतले होते हैं। इनको बोलते हैं कि आलू अभी कच्चे हैं, जो छिलका आराम से इनकी वो निकल जाता है। तो हमने ये छोटे छोटे आलू लिए हैं, देखिए छोटे भी हैं और इस साइज के भी हैं। तो हम इन आलुओं को उबालेंगे। मैंने छोटे ले लीजिए, हरे आलू हैं तो ये पार्ट बाद में निकाल देंगे। हमें अच्छे आलू लेने हैं और बढ़िया से साफ पानी से हमने इनको धुल लिया है। देखिए पानी बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं है, साफ है। हमने 1 से 1.25 किलो आलू ले लिया है। तो हमें उबालना है। हम इस कुकर में आलूओं को डाल देंगे। आलू डाल दिए हैं और अब हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी भी डाल दिया है। हम डालेंगे नमक। नमक इसलिए डाल रहे हैं कि जो हम नाश्ता आज बना रहे हैं तो नमक हम नहीं डालेंगे तो आलूओं में फीकापन रहेगा। तो इसलिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं ताकि आलूओं में हल्के से आलू हमारे नमकीन हो जाए। और इसमें हम बंद करके 2 से 3 सीटी लेंगे। बस 2 से 3 सीटी लेने के बाद आगे का प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे। देखिए आलू ठंडे भी हो चुके हैं और इन्हें हम छील लेंगे। तो इनका छिलका बिल्कुल पतला होता है। हम इन्हें पूरे आलूओं को इसी तरह से छील लेंगे। देखिए हमने आलूओं को छील लिया है और जो आलू बड़े थे तो उनको हमने काट दिया। हमें नींबू की साइज के आलू चाहिए। और छोटे आपके नींबू की साइज के आलू हों तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। यदि ना हो तो आप इस तरह मेरी तरह से जैसे मैंने ये काट लिए हैं। देखिए ज़्यादा बड़े थे तो मैंने इनको कट कर लिया है। और हमें इन थोड़ा सा टाइट ही रखना है आलूओं को। अब इनमें हम डालेंगे मसाला। तो सबसे पहले हम डाल देंगे ये खूब सारा हरा धनिया। और मैंने एक थोड़ा सा मेरे पास था बथुआ तो वो भी डाल दिया है। आपके पास पालक हो तो आप पालक भी डाल सकते हैं। जो भी सब्जी मेथी डालना चाहे तो मेथी कम डालें, कड़वाहट हो जाती है। ये है प्याज बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन। यदि आप प्याज लहसुन ना खाते हो तो आप इसमें प्याज लहसुन स्किप कर सकते हैं। ये पत्ता गोभी है या बंद गोभी, आप जो भी बोलते हो तो उसको डाल दिया। 1 चम्मच मैंने ये बारीक कटी हुई गाजर ली है। और ये हरी मटर है, ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो आप डालें नहीं तो ना डालें। और ये अदरक है जिसको मैंने कूट लिया है। और 1 चम्मच है ये शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च मैंने खूब सारी डाल दी है। अब इसमें हमें डालना है कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और ये मैंने छोटी चम्मच में काला नमक लिया है, इसको भी डालना है क्योंकि काला नमक डालने से इसकी टैंगनेस अच्छी बढ़ती है। और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, कम या ज़्यादा तीखा आपको ज़्यादा जैसा पसंद हो आप उसी हिसाब से इसमें डालें। हम डालेंगे सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार, इसको डाल दिया है। अब इसमें हमें डालना चाट मसाला। तो चाट मसाला आप डाल दें या अमचूर पाउडर, जो आपको डालना हो वो आप इसमें डाल दें। ये डाल दिया है। अब हम इन मसालों को करते हैं मिक्स। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो लीजिए अब इसे हम करेंगे मिक्स। पूरा मसाला हमें इसमें मिक्स करना है। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया है। और देखिए अभी इतना सुंदर लग रहा है, इस खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें आपको भुना जीरा पाउडर डालना तो आप वो भी इसमें डाल दें। तो मैंने इसको पूरा ये मसाला ये मिक्स कर दिया ताकि जो भी हमने मसाले डाले हैं वो सब इसमें मिक्स हो जाए। तो लीजिए अब हमें डालना है इसमें बेसन। तो बेसन हमें कितना डालना है वो हम डालेंगे
और इसे मिक्स करते जाएंगे। अभी मैंने 1 कप बेसन लिया है, वो डाल दे उसमें। 2 चम्मच मैंने इससे रख लिया है, 1 कप बेसन है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, हमें जैसी ज़रूरत है, हमें चाहिए उस हिसाब से देखते हैं इसमें कितना बेसन लगता है। हम डाल देंगे भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो लीजिए, मैंने ये भी डाल दिया है। हमने इसमें 1 कप जो बचाया था बेसन वो भी डाल दिया है इसमें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें अब हमें देखना है कि कितना इसमें पानी हमें डालना पड़ेगा, तो वो हम पानी भी डाल दें। और हम थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे, हींग हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखती है। तो हमने इसमें हींग भी डाल दी है। अब हम पानी लेंगे, 1-1 चम्मच पानी लेके इसमें मिक्स करेंगे और देखना है हमें कितना पानी इसमें लगता है, या हमें बेसन की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बेसन इसमें और मिक्स करेंगे। जब तक ये ऐसा एक साथ नहीं हो जाता, देखिए ऐसा हो गया है, देखिए ऐसा ही हमें करना है। तब तक हम इसको, इसमें बेसन हमें मिक्स करना होगा। यदि नहीं होगा तो जितना भी आपका बेसन भी आप करता है डिपेंड, बेसन कैसा है, बारीक है, मोटा है, कितना बेसन लगता है। हमारा 1 कप पूरा बेसन इसमें हमने डाल दिया है। हमें इसमें थोड़ा बेसन और डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें आलू दिखाई दे रहे हैं। तो हम लेंगे 1-2 चम्मच बेसन, मैंने इसको डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के इसे हम दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए इसमें हमने बेसन भी डाला 2 चम्मच और उसमें 2-3 चम्मच पानी ही डाला। अभी हमारा बढ़िया से तैयार हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास इसके बनाने के लिए फ्रेम नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज मैं ऐसा नाश्ता बताऊंगी आपको बना के, इसमें कोई भी सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम ऐसे भी हाथ से बना सकते हैं। यदि आप हाथ से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे छोटे जो सब्जी परोसने वाले चमचा होते हैं ना, उनसे भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम इन्हें हाथ से ही बना के आपको दिखाते हैं। गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें हमने तेल भी डाल दिया है। और इधर ये हमारा ये भी रेस्ट ले चुका है, तैयार हो गया है। तो हम देखिए, हम ऐसे बनाएंगे, हमने ऐसे ले लिया है। आप हाथ से न बनाना चाहें तो आप इससे भी बना सकते हैं। तो हम ऐसे डाल देंगे और इनका ऐसे इन्हें राउंड शेप में थोड़ा सा रखेंगे। वो ज़्यादा एकदम राउंड राउंड शेप में नहीं होंगे क्योंकि वो आलू के पीस हैं ना। तो हम इन्हें इसी तरह से आपकी कढ़ाई में जितना भी स्पेस हो, जितना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा ही, हम इन्हें पतले रखेंगे। ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो ये टूट जाएंगे, और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो भी कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें इन्हें मीडियम साइज के ही थिकनेस पे रखना है, ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले। तो मैंने 3 डाल दिए हैं और हम इनमें अब इनमें पलटना नहीं है जब तक ये सिकेंगे नहीं। ऐसे करके इनमें ऊपर हम ये ऑयल गरम डाल देंगे। तो हमें ऐसे ही डालना है, इन्हें अभी पलटना नहीं है जब तक एक साइड से ही अच्छे से सिक ना जाए। देखिए नीचे से सिक चुके हैं, कलर चेंज हो गया है। तो अब इनको हम आराम से पलट देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट है, हमें ऐसे ही इन्हें धीरे से बिल्कुल पलटने। देखिए कलर चेंज हो गया है, तो इसी तरह हमें दोनों ही पलट दें। अब हम इस साइड से देखेंगे, हमें ज़्यादा बार बार उलट पलट नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए बढ़िया कलर भी आ गया है इसका दोनों साइड से। तो हम एक प्लेट में इनको रख लेते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर है। बाकी भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए तो मैंने ये पूरी सेक ली है, हमारा ये नाश्ता बन के रेडी हो गया है। देख ली कितना बढ़िया है और जल्दी ही बन जाते हैं, सॉफ्ट है, आप इसे कैसे भी खा सकते हैं। तो देखिए प्लीज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करें। लीजिए मैंने प्लेट में इसे सर्व कर दिए और चटनियाँ भी रखे हैं। आप इसे लाल चटनी या हरी चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं।
ये आप इन्हें बिना चटनी के भी इसे खा सकते हैं। इसमें इतनी सब्जियां हैं कि बच्चे हमारी सब्जियां नहीं खाते हैं तो वो इस बहाने से सब्जियां खा लेंगे। ये हमारे आलूओं की नई चाट है। प्लीज़ आप इसका नाम और दूसरा जानते हो तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं इसे आलूओं की भरवा आलू या भरवा चाट जो भी आप बोल सकें तो इसे बोलते हैं। मैं इन्हें आलूओं की चाट, ये मसालेदार हमारी तैयार हो गई है। इसमें मसाला तो इतना है कि हमें ऊपर से और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है।